से अपनी माँ को देखती आ रही थी कि मेरी माँ सुबह सुबह उठती हैं और सबसे पहले घर की चौखट पे पानी डाल के आ जाती थी, चौखट पे क्या बाहर पानी डाल के आ जाती थी। मैंने एक दो बार उनसे पूछने की भी कोशिश करी, हम लोगों को लगता क्या है कि हम लोगों के पास कुछ उस चीज़ को जो बच्चे पूछते हैं उसको बताने के लिए वो नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, सेंस नहीं होता है। तो जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं आपको बचपन से देख रही हूँ कि आप सबसे पहले सुबह उठती हो, एक बाल्टी में पानी लेती हो या फिर मग्गे में पानी लेती हो और घर की पूरी दहलीज पे पानी डाल देती हो, घर के बाहर पानी डाल देती हो, तो मेरी माँ ने मुझे बोला था कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं, जो हमारे देवी देवता होते हैं, वो रात को भ्रमण करते हैं और सुबह सुबह वो हमारे घर पे आते हैं, तो पानी हम डालते हैं ताकि ठंडा ठंडा करके वो ठंडा ठंडा दिमाग से घर के अंदर वापस आए। लेकिन आज मैं आपको उसका सही लॉजिक बताती हूँ कि सुबह सुबह उठकर घर के बिना नहाए धोए आपको ये करना है, ये नहीं कि नहा लिया धो लिया, सुबह उठे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, धरती माता को स्पर्श करना है। अगर आप इसमें भी फुल डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिए कि सुबह उठ के सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, पूरे दिन में क्या करना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले अपना मुख्य दरवाजा खोलना है और वहां के घर की दहलीज पर, अगर आप फ्लैट्स वाले एरिया में भी रहते हैं, जैसे कि मैं फ्लैट्स के एरिया में रहती हूँ, तो मैं घर की दहलीज पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल या थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। गंगा जल, मेरा ससुराल गढ़गंगा के पास है तो मेरे घर पर बहुत सारा गंगा जल रहता है, तो मैं गंगा जल डाल देती हूँ या फिर यमुना जल डाल देती हूँ या फिर सिंपल पानी भी मैं कभी कभी डालती हूँ। कहते हैं इससे ग्रह कलेश नहीं होता है, प्राचीन काल से ये पद्धति चलती आ रही है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो सुबह उठ के सबसे पहले आपको अपने घर के दहलीज के बाहर पानी जरूर डालना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।